इंडिया में 13 मेजर सी पोर्ट, 80 ICDs एंड 169 CFS है, और इन सभी पोर्ट्स में रोजाना कोई ना कोई ऑक्शन होता है, और 99% ऑफ द टाइम ये इंपोर्टेड गुड्स का ही होता है। ये वही इंपोर्टेड गुड्स होते हैं जिनको ऑफर हमारे जैसे कॉमन लोग इंपोर्ट करते हैं, फिर बाद में कस्टम क्लियरेंस नहीं करा पाते। और इन गुड्स को कस्टम क्लियरेंस ना करा पाने का दो मेन रीजन है, एक है लैक ऑफ नॉलेज और एक है लैक ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं कि किस तरीके से आप अपने गुड्स का कंप्लाइंस चेक कर सकते हैं, जो कि आपको जरूर चेक करना चाहिए कोई भी प्रोडक्ट इंपोर्ट करने से पहले। और इंपोर्ट ही क्यों, एक्सपोर्ट के केस में भी ऐसे कई तरह के प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे कि अगर आपको अल्कोहल स्प्रिट वगैरह एक्सपोर्ट करना है तो उसमें कई तरह के कंप्लाइंसेस होते हैं। उन कंप्लाइंसेस को भी आप इस पोर्टल के थ्रू चेक कर सकते हैं और अपना बहुत सारा टाइम, एनर्जी और पैसा बचा सकते हैं। तो एग्जांपल शो करने के लिए ना इस वीडियो में मैं 5 एग्जांपल लूंगा, यानी 5 प्रोडक्ट का HS कोड लूंगा और आप लोगों को एक एक करके एस गेट में चेक करके दिखाऊंगा कि कौन से प्रोडक्ट में क्या लाइसेंस लगता है आपको। तो सबसे पहला प्रोडक्ट जो मैं लेने वाला हूं वो है प्लास्टिक बॉटल HS कोड। प्लास्टिक बॉटल HS कोड का यहाँ पे दिख रहा है आपको 3924909090। तो अपने को ना सिर्फ पहले के 4 डिजिट चाहिए, पहले के 4 डिजिट से ही अपन जो है आइस गेट में जाके इसको सर्च करेंगे। तो अगला वेबसाइट आपको खोलना है आइस गेट, जो कि इंडिया की कस्टम्स की सेंट्रलाइज वेबसाइट है। आइस गेट में नीचे स्क्रॉल करेंगे, कस्टम ड्यूटी कैलकुलेटर में आपको क्लिक करना है, यहाँ पे ट्रेड गाइड ऑन इंपोर्ट पे क्लिक करना है। और जैसे कि हमने देखा था यहाँ पे हमारा HS कोड था 3924, तो यहाँ पे हम डालेंगे 3924 और यहाँ पे अपन और कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, कंट्री वंट्री सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जनरली 99% किसी भी कंट्री से आए जो है कंप्लाइंस सेम रहता है। तो देखिए यहाँ पे आप लोगों को दिख गया है कि टेबलवेयर, किचनवेयर, अदर हाउसहोल्ड आर्टिकल, टॉयलेट आर्टिकल्स ऑफ प्लास्टिक, प्लास्टिक के कोई भी आर्टिकल है, इंसुलेटेड वेयर, अदर्स, तो जनरली जो है आपके अदर्स में ही जाता है, यानी 3924109090 है, 3924909090 एकदम अदर्स में देख लेते हैं। यहाँ पे अदर्स में देखिए अभी रिसेंटली क्या है कि प्लास्टिक बॉटल पहले कंप्लीटली बिना किसी कंप्लाइंस के आता था, बट अब प्लास्टिक का कोई भी आइटम आने वाला, इवन कोई भी मशीन भी आ रही है ना बाहर से और उसमें प्लास्टिक रैप हो रखा है, तो आप लोगों को EPR लेने की जरूरत है। और मैं देखता हूँ यहाँ पे क्या मांग रहे हैं लोग, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल वाइड नोटिफिकेशन नंबर, ये आपको प्लास्टिक का आइटम जो छोड़िए, कोई भी आपका मशीन या कुछ और भी आ रहा ना, वो भी अगर प्लास्टिक बॉक्स में आ रहा है, प्लास्टिक की रैपिंग में भी आ रहा ना, तब भी आज की डेट में आप लोगों को एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी CPCB पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया है, वहां से आप लोगों को ये लाइसेंस लेना पड़ता है। अगला प्रोडक्ट अपन ने सेलेक्ट किया है LED लाइट, सेम जगह पे 9405 एंटर करेंगे। देखिए LED लाइट का आप लोगों को मेन हेडिंग दिख गया, लैंप एंड लाइट फिटिंग, तो डिजाइन फॉर यूज सोली विथ लाइट एमिटिंग डायोड LED लाइट सोर्स। इसके अदर्स में देख लेते हैं अपन को क्या लेने वाला है, ये वैसे आपको पूरे चैप्टर में सेम कंप्लाइंस मिलने वाला है, बस मॉडल अलग अलग है। सेल्फ ब्लस LED लैम्प फॉर जनरल लाइटिंग पर्पज, सर्व एंड फिक्स फॉर LED लुमिनर्स गर्ड। बिना BIS के आप LED लाइट्स इंपोर्ट नहीं कर सकते, आप लोगों का BIS में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। अगला प्रोडक्ट है हमारा पाम ऑयल, पाम ऑयल का देखते हैं, पाम ऑयल का HS कोड है 1511, सर्च कर लेंगे यहाँ पे। देखिए क्रूड पाम ऑयल ही जनरली लोग इंपोर्ट करते हैं, तो क्रूड पाम ऑयल में यहाँ पे आपको बड़ा बड़ा करके लिखा है फसाई चाहिए, यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया का लाइसेंस चाहिए। तो अगला प्रोडक्ट जो है, अगला प्रोडक्ट अपन चेक करते हैं, वो है CNC मशीन का मैंने लिया है 8466। अदर्स में देख लेते हैं, देखिए CNC मशीन में कोई भी कंपलसरी रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि मशीन से जनरली क्या होता है कि कैपिटल गुड्स की कैटेगरी में आता है, और कैपिटल गुड्स जब भी आते हैं तो उसके फर्दर एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, एम्प्लॉयमेंट मिलता है लोगों को, कोई दूसरे गुड्स उसमें मैन्युफैक्चर होता है, तो गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा होशियार है। लास्ट प्रोडक्ट अपन ने लिया था ड्रोन, अब क्या है कि इन सब में लाइसेंस लगता है, कुछ कुछ आइटम होता है जो कम्प्लीटली प्रोहिबिटेड होता है, मतलब आप इंपोर्ट कर ही नहीं सकते, कोई लाइसेंस वाइसेंस कुछ भी लेके नहीं कर सकते, तो वो आता है ड्रोन में। ड्रोन का HS कोड 8806। तो ड्रोन का मैंने यहाँ पे देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा है अनमैन्ड एयरक्राफ्ट, और अनमैन्ड एयरक्राफ्ट में भी जनरली लोग क्या कहते हैं कि 250 ग्राम से नीचे वाला जो ड्रोन है वो आप इंपोर्ट कर सकते हैं, तो उसी को खोलते हैं सबसे पहले, विद द मैक्सिमम टेक ऑफ वेट ऑफ नॉट मोर देन 250 ग्राम्स, राइट। तो इसको खोलते हैं और देखते हैं रिक्वायरमेंट में क्या लिखा है। फॉर्म इज प्रोहिबिटेड विद Following exception import drone by government entities, educational institute recognized by central and state government। तो सिर्फ education purpose से, R&D की purpose से और defense के purpose से आप जो है generally जो ये authorities हैं ये drone import कर सकते हैं, पहले से license लेना पड़ता है DGFT की तरफ से, अथॉरिटी लेनी पड़ती है, उसके बाद ही आप ड्रोन इंपोर्ट कर सकते हैं। तो ड्रोन इंपोर्ट जो है कंप्लीटली रिस्ट्रिक्टेड है इंडिया में, एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, कई तरह के एक्सपोर्ट होते हैं जिसमें कि आप लोगों को कस्टम ड्यूटी देनी पड़ती है, कई तरह के एक्सपोर्ट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल लिकर स्पिरिट एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो उसमें कई तरह के लाइसेंसेज होते हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन भी आपको जो है वहीं पर मिल जाएगी। आई होप कि आप लोगों को कन्फ्यूजन क्लियर हो गई होगी किसी भी आइटम को इंपोर्ट करने से पहले कितनी कंप्लाइंस उसमें लगता है, क्या कंप्लाइंस लगता है, किस तरीके से उसको चेक करना है, और किस तरीके से एक सक्सेसफुल इंपोर्टर बनना है और सक्सेसफुल एक्सपोर्टर बनना है। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।